Assalamualaikum dear parents and kids. Today I will tell you about lines, slipping lines and curve. Okay? This line is called slipping line. जो लेटी हुई line है वो उसे हम कहते हैं slipping line. Okay? First of all, dear kids, hold your pencil like this. इस तरीके से सब बच्चे अपनी pencil को hold करें, ठीक है? इस तरीके से pencil hold करेंगे तो आप writing कर सकते हैं, otherwise आप writing नहीं कर सकते. Okay? ये line है slipping line. ठीक है, जो आप जब टू मेक करेंगे पहले आप कर्व करेंगे, फिर जो मैंने आपको स्लैंट लाइन सिखाई है वो स्लैंट लाइन लेंगे, उसके बाद आप स्लिपिंग लाइन लेंगे टू की, तो फिर आपका टू राइट होगा. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्लिपिंग लाइन किस तरीके से राइट करते हैं. एक डॉट आप इधर लगाएं, ठीक है, और एक इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ लगाएं, ठीक है, और इस डॉट से पेंसिल को जोर से प्रेस करके ये दिस वन इज कॉल्ड स्लिपिंग लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लिपिंग लाइन. अगेन देखें, एक डॉट इधर और एक डॉट बिल्कुल इसके इक्वल, और यहाँ से पेंसिल को ज़ोर से प्रेस करके इस डॉट तक टच करें, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लिपिंग लाइन. वंस अगेन देखें, एक डॉट इधर और एक डॉट बिल्कुल इसके इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक स्लिपिंग लाइन. ओके, इस तरीके से आपने स्लिपिंग लाइन बनानी है. दिस लाइन इज कॉल्ड स्लिपिंग लाइन. जो लेटी हुई लाइन होती है उसे कहते हैं हम स्लिपिंग लाइन. ओके, अब सेकंड है कर्व, राइट साइड का कर्व. ठीक है, राइट साइड का कर्व. अब ये देखें कर्व कैसे बनाते हैं, एक डॉट ऊपर और एक डॉट इसके बिल्कुल नीचे, इस तरीके से आपने एक डॉट ऊपर और एक डॉट इसके बिल्कुल नीचे पुट करना है, इस तरीके से. ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से मेक अ सी बनाना है, इस तरीके से कर्व करना है. ठीक है, इस तरीके से पेंसिल को ज़ोर से प्रेस करके लाइक सी, जिस तरह सी मेक करते हैं. अगेन देखें, एक डॉट ऊपर और एक डॉट इसके बिल्कुल नीचे. ठीक है, अगर कोई बच्चा पेंसिल को मूव नहीं करता, उससे कर्व नहीं बनता, तो पेरेंट्स यहाँ पे एक डॉट पुट कर दें. ठीक है, एज अ हेल्प, हेल्प के तौर पे जब वो कर्व बनाने लग जाएं, पेंसिल को मूव करना शुरू हो जाए, स्टार्ट कर दें, तो फिर ये वाला डॉट नहीं देना आपने तीसरा, आपने फिर ये टू डॉट्स देने हैं, उन्हें कहने कर्व करें, पेंसिल को ज़ोर से प्रेस करके इस तरीके से कर्व करें. जब तक बच्चा कर्व करना नहीं सीखेगा राइटिंग कैसे करेगा, क्योंकि थ्री में भी कर्व होता है, फाइव में भी नीचे से कर्व बनता है. ठीक है, कर्व की प्रैक्टिस करेंगे तो कर्व बनेगा ना. ये देखें, इस तरीके से लाइक मेक अ सी बनाना, जिसे हम सी बनाते हैं. ठीक है, एक डॉट ऊपर और एक डॉट इसके बिल्कुल नीचे, और यहाँ से ऐसे करके कर्व करना है, इस तरीके से कर्व करना. ठीक है, ये आपका है राइट साइड का कर्व, और ये है लेफ्ट साइड का कर्व, जो थ्री में यूज़ होगा आपका. ठीक है, थ्री में भी आपका यही वाला कर्व यूज़ होगा, फाइव में भी आपका यही वाला कर्व यूज़ होगा. ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको ये कर्व बताती हूँ किस तरह बनता है. एक डॉट ऊपर इस तरीके से और एक डॉट इसके बिल्कुल नीचे. ठीक है, और यहाँ से सी मेक करना है, और फाइव का कर्व और थ्री का कर्व भी इस तरीके से बनता है. ये आपके ये कर्व सही होंगे तो आपकी वन टू की राइटिंग सही होगी, वन टू आपकी इम्प्रूव करेगी. ठीक है, जब तक आपके ये कर्व नहीं सही होंगे, स्टेट वन नहीं स्टेट वन बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव किस तरह राइट होंगे. इसलिए सबसे पहले आप राइटिंग से पहले आप ये स्लिपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करें, स्लिपिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट वन, स्लैंट लाइन. ठीक है, कर्व की भी, क्योंकि थ्री और फाइव में इस तरीके से कर्व बनेगा. ओके, ये स्टेट वन के डॉट लगा के और यहाँ से आपने मेक अ सी बनाना है, इस तरीके से कर्व करना है आपने. ठीक है, इस तरीके से एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, और यहाँ से आपने ऐसे करके कर्व करना है, जिस तरह सी में करते हैं. ठीक है, दिस वन इज, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लिपिंग लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड कर्व. ये कर्व है राइट साइड का और ये कर्व है लेफ्ट साइड का. बिफोर राइटिंग आप सब इस तरीके से डॉट पुट करके स्टेट वन के डॉट पुट करें, इस तरीके से स्टेट वन की लाइन लगाएं, और स्लैंट लाइन राइट साइड की, अगेन स्लैंट लाइन लेफ्ट साइड की. ओके, फिर स्लिपिंग लाइन के डॉट पुट करके इस तरीके से स्लिपिंग लाइन ने, फिर कर्व करें राइट लेफ्ट साइड का, और फिर राइट साइड का कर्व करें. जब तक आपकी ये सिक्स लाइंस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जब तक आपकी ये सिक्स लाइंस परफेक्ट नहीं होंगी, आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ये सिक्स लाइंस इम्प्रूव करें. आपके वन स्टेट होने चाहिए, स्लैंट लाइन बिल्कुल स्लैंट होनी चाहिए, स्लिपिंग लाइन स्लिपिंग बिल्कुल स्लिप होनी चाहिए, यानी बिल्कुल स्टेट स्लिपिंग लाइन होनी चाहिए, कर्व आपके अच्छे होने चाहिए.
आपकी ये 6 लाइंस इम्प्रूव कर जाएंगी, आपकी मैथ्स की राइटिंग इम्प्रूव कर जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके पेरेंट्स, अपने अपने बच्चे पे इस लाइंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इस अगर ये लाइंस इम्प्रूव कर जाएंगी तो बच्चे की राइटिंग भी इम्प्रूव कर जाएगी। ओके थैंक यू। कर्व जो 3 में यूज़ होगा आपका, ठीक है, 3 में भी आपका यही वाला कर्व यूज़ होगा, 5 में भी आपका यही वाला कर्व यूज़ होगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको ये कर्व बताती हूँ किस तरह बनता है। एक डॉट ऊपर इस तरीके से और एक डॉट इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, और यहाँ से सी में करना है, और 5 का कर्व और 3 का कर्व भी इस तरीके से बनता है। ये आपके ये कर्व सही होंगे तो आपकी 1-2 की राइटिंग सही होगी, 1-2 आपकी इम्प्रूव करेगी, ठीक है। जब तक आपके ये कर्व नहीं सही होंगे, स्टेट वन बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 किस तरह राइट होंगे। इसलिए सबसे पहले आप राइटिंग से पहले आप ये स्लिपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करें, स्लिपिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट वन, स्लैंट लाइन, ठीक है, कर्व की भी, क्योंकि 3 और 5 में इस तरीके से कर्व बनेगा। ओके ये स्टेट वन के डॉट लगा के और यहाँ से आपने मेका सी बनाना है, इस तरीके से कर्व करना है आपने, ठीक है, इस तरीके से एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, और यहाँ से आपने ऐसे करके कर्व करना है जिस तरह सी में करते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड स्लिपिंग लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड कर्व। ये कर्व है राइट साइड का और ये कर्व है लेफ्ट साइड का। बिफोर राइटिंग आप सब इस तरीके से डॉट पुट करके स्टेट वन के डॉट पुट करें, इस तरीके से स्टेट वन की लाइन लगाएं और स्लैंट लाइन राइट साइड की, अगेन स्लैंट लाइन लेफ्ट साइड की, ओके, फिर स्लिपिंग लाइन के डॉट पुट करके इस तरीके से स्लिपिंग लाइन ने, फिर कर्व करें राइट लेफ्ट साइड का और फिर राइट साइड का कर्व करें। जब तक आपकी ये 6 लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब तक आपकी ये 6 लाइंस परफेक्ट नहीं होंगी, आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये 6 लाइंस इम्प्रूव करें। आपके 1 स्टेट होने चाहिए, स्लैंट लाइन बिल्कुल स्लैंट होनी चाहिए, स्लिपिंग लाइन स्लिपिंग बिल्कुल स्लिप होनी चाहिए, यानी बिल्कुल स्टेट स्लिपिंग लाइन होनी चाहिए, कर्व आपके अच्छे होने चाहिए। आपकी ये 6 लाइंस इम्प्रूव कर जाएंगी, आपकी मैथ्स की राइटिंग इम्प्रूव कर जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके पेरेंट्स, अपने अपने बच्चे पे इस लाइंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इस अगर ये लाइंस इम्प्रूव कर जाएंगी तो बच्चे की राइटिंग भी इम्प्रूव कर जाएगी। ओके थैंक यू।